तेज धार नदी या फिर झील के पास कई बार लोग सेल्फी लेने लगते हैं ना, अपनी तस्वीर लेते हैं, लेकिन ये खतरनाक हो जाता है। ये कर्नाटक के तुमकुरू के हमसा से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ताली और सीटियों का ये शोर बेहद सुकून देने वाला है। सुकून उस रेस्क्यू के लिए जिसने 12 घंटे की मशक्कत के बाद चट्टानों के बीच फंसी इस लड़की का सुरक्षित रेस्क्यू किया। सुकून इस लड़की के लिए जो सेल्फी के चक्कर में फिसलकर चट्टानों के बीच 12 घंटे तक फंसी रही। सुकून उन लोगों के लिए जो 12 घंटे से चट्टानों के बीच फंसी इस लड़की के सुरक्षित रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। कर्नाटक के तुमकुरू से आई ये तस्वीर बेहद सुकून देने वाली है। यहाँ सेल्फी लेने के चक्कर में 19 साल की हमसा नाम की ये लड़की चट्टानों के बीच फंस गई थी, जिसे 12 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला जा सका है। गुब्बी तालुक के शिवरानापुर गाँव की रहने वाली हमसा रविवार शाम को अपने दोस्तों के साथ तुमकुरू के माइडला लेक घूमने पहुंची थी। झील के तेज बहाव के बीच यहां वो अपने दोस्तों के साथ सेल्फी ले रही थी। एक सेल्फी लेने के दौरान हमसा का पैर फिसला और वो चट्टान में बने गड्ढे में जाकर फंस गई। हमसा के नीचे गिरते ही वहां हड़कंप मच गया। सूचना पाकर जल्दी ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और बचाव अभियान शुरू हुआ। रेस्क्यू आसान नहीं था, झील में बहाव तेज था, इसलिए पहले फायर ब्रिगेड की टीम ने झील के पानी को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए मेहनत की। उसके बाद एक एक कर रेस्क्यू टीम के मेंबर रस्सी के सहारे उस जगह पहुंचे जहां हमसा फंसी हुई थी और फिर हमसा को सावधानी से बाहर निकाला गया। सुरक्षित रेस्क्यू के बाद जहां फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने राहत की सांस ली, वहीं रेस्क्यू के बाद हमसा और उसके दोस्त भी काफी खुश हुए और आगे से इस तरह खतरनाक जगह पर सेल्फी न लेने की कसम खाई। पुलिस ने इस झील के पास आने वाले सैलानियों से अपील की है कि वो यहां सेल्फी लेते वक्त सावधान रहें, वरना ऐसी घटना दोबारा भी हो सकती है।